वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि कोरोना केसेस में कमी खुशी की बात, लेकिन अभी फतेह का ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। आवाम ये ना समझें कि पाकिस्तान मुकम्मल महफूज है, बीमारी का फैलाव दोबारा बढ़ सकता है। आवाम सियाहती मकामात और दीगर माशी सरगर्मियों में एहतियात बरतें। क्योंकि मैं आजकल ये जिस दिन से ये ऐलान हुआ है लोगों से ये सुन रहा हूँ कि कोरोना ख़त्म हो गया। काश कोरोना ख़त्म हो चुका होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल अभी नहीं है। अभी हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कल पाकिस्तान के अंदर 15 लोग जाँ बहक हुए कोरोना की वजह से। ये 15 भी ज़्यादा है, ये भी अफसोसनाक है। ये कोई अब बात नहीं है कि हम जो है वो फतेह डिक्लेयर करके अब आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। ये जो भी रियासत और हुकूमत ने जितने भी इकदाम किए वो किसी तरीके में भी किसी तौर पे भी वो मौसर नहीं हो सकते थे जब तक अवाम जो है वो साथ कोऑपरेट ना करती। किसी भी सूरत से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज है और हम जो भी करेंगे तो हमें इस बीमारी से असर नहीं होगा। जो मनाजिर हमें देख आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता हमने इसमें बेहतरी ना की तो ये जो बीमारी का फैलाव जो इतनी मुश्किल से आपकी मेहनत से कम हुआ था ये दोबारा बढ़ भी सकता है, और कितना बढ़ सकता है खुदा ना खास्ता वो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मशरिक़ व मगरिब के अंदर क्या हो रहा है।